वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। चार साल यानी 2015 से 2019 के दौरान 21,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन, पूरा फंड अपनी कंपनी से निकालकर दूसरे कामों में लगा दिया गया। इसके लिए तमाम रिकॉर्ड्स तैयार किए गए, यहां तक कि एक भाई ने दूसरे भाई को ही 1100 करोड़ का लोन दे डाला। 160 ऐसे कस्टमर्स को 9000 करोड़ की सेल दिखाई गई जो हकीकत में है ही नहीं, यानी कि सारे कस्टमर्स भी फर्जी हैं। और इन 21,000 करोड़ को खपाने के लिए तमाम बैंक बैलेंस में भी छेड़छाड़ कर दी। हमारे इतना सब बताने से आप समझ ही गए होंगे कि किसी नए फ्रॉड का खुलासा हुआ है, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अब कंपनी का नाम भी बता देते हैं। ये है मशहूर ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स, जिसके तार यस बैंक के घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। और ये पूरा खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किया है। तो हम आप भी जानते हैं कि कैसे दो भाइयों ने महज चार साल में 21,000 करोड़ रुपए हजम कर लिए। सबसे पहले जानते हैं कि इस घोटाले का खुलासा हुआ कैसे। आपको यस बैंक का मामला तो याद ही होगा कि किस तरह बिना किसी शर्त कंपनियों को लोन बांटे गए। यस बैंक से लोन पाने वाली उन्हीं कंपनियों में से एक है कॉक्स एंड किंग्स। दरअसल यस बैंक से लोन लेने वाली सभी कंपनियों के ऑडिट हुए थे। ये ऑडिट प्रिंस वाटर हाउस कूपर ने किए थे। इसी कड़ी में फरवरी 2020 के दौरान कॉक्स एंड किंग्स का ऑडिट हुआ, जिसमें सारी गड़बड़ी सामने आ गई। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट एक्सेस की है। अब आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल कॉक्स एंड किंग्स कंपनी अजय, अजीत, पीटर, केरकर और उनके परिवार द्वारा प्रमोट की गई और उनके ही नियंत्रण में है। ये कंपनी अक्टूबर 2019 में उस वक्त चर्चा में आई जब वो अपना कर्जा चुकाने में फेल हो गई। इसके बाद कंपनी दिवालिया अदालत पहुंच गई। इस वक्त कंपनी में केरकर परिवार के शेयर 12.2% है, जबकि बाकी शेयर पब्लिक के पास है। बता दें कि इस ट्रैवल कंपनी ने बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से 5,500 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इनमें 2,267 करोड़ रुपए यस बैंक से लिए गए हैं। बता दें कि यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर ने कई कंपनियों को गलत तरीके से लोन दिया था, जो अब दिवालिया हो चुकी हैं। इस मामले में राणा कपूर जेल में बंद है। पिछले महीने ईडी ने राणा कपूर मामले में कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर अजय अजीत केरकर से भी पूछताछ के लिए समन जारी किया था। फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला है कि कॉक्स एंड किंग्स कंपनी में अधिकतर पार्टी ट्रांजैक्शन बोर्ड की मंजूरी और लोन एग्रीमेंट के बिना किए गए। जांच में पता चला कि कॉक्स एंड किंग्स ने 1100 करोड़ रुपए आलोक इंडस्ट्रीज को बतौर लोन दिए, जबकि आलोक इंडस्ट्रीज और कॉक्स एंड किंग्स के बीच किसी तरह का कारोबार नहीं होता है। जांच में खुलासा हुआ कि आलोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ सुनील खंडेलवाल हैं, जो कॉक्स एंड किंग्स के सीएफओ अनिल खंडेलवाल के भाई हैं। आपको बता दें कि ट्रैवल कंपनी ने 2019 में ही 589 करोड़ रुपए बिना लोन एग्रीमेंट के 11 सहयोगी कंपनियों को दिए। 2014 से 2019 के बीच कंपनी ने 5,278 करोड़ रुपए की सेल जिन ग्राहकों को दिखाई वो फर्जी हैं। वहीं इनमें कम से कम 141 तो जीएसटी विभाग में रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसी तरह 2016 और 2019 के बीच कॉक्स एंड किंग्स को 15 ग्राहकों से 2,548 करोड़ रुपए मिले, लेकिन कंपनी के बैंक अकाउंट्स में ये फंड रिसीव ही नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कॉक्स एंड किंग्स कंपनी ने अपने ऊपर कुल 2000 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया। इसके अलावा कंपनी पर स्टैंड अलोन कर्ज 3600 करोड़ रुपए था। साथ ही क्रेडिट कार्ड से लिए गए 750 करोड़ रुपए कर्ज की जानकारी कर्जदाताओं को दी ही नहीं गई। ये भी डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन है। जनवरी 2020 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया मामले की सुनवाई की। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने कंपनी के डायरेक्टर अजय, अजीत, पीटर केरकर, उर्शीला केरकर और अनिल खंडेलवाल समेत 3 अन्य पर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही 16 कर्मचारियों को कोर्ट की इजाजत के बिना देश न छोड़ने का आदेश दे दिया।
इस रिपोर्ट में हमने आपको 21,000 करोड़ के उस घोटाले की जानकारी दी जिसके तार यस बैंक से जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे सरकार की नाक के नीचे 4 साल में 21,000 करोड़ का घोटाला हो गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों को जानने और समझने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।